कोरोना केसेस बढ़ने के बायस आजाद कश्मीर में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज करने का असूली फैसला कर लिया गया। लॉकडाउन का फैसला वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की जेर सदारत आला सतह के इजलास में किया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि आजाद कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा है। राजा फारूक हैदर की जेर सदारत होने वाले इजलास में रियासत में मजहबी इज्तमात, सियासी और समाजी तकरीबात भी महदूद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग, ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाए और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। याद रहे, आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना से 2816 अफराद मुतासर और 76 अमवात हो चुकी हैं।